राधे राधे सभी को। तो आज हम जाने वाले हैं अपने गांव। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, होली का फेस्टिवल है और होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह के 4 बजे मैं जग चुकी हूँ क्योंकि मुझे गांव जाना है, और अर्ली मॉर्निंग जल्दी से उठ करके मैंने घर का सारा जो काम है जल्दी से निपटा लिया है। मुझे खाना भी बना करके जाना है, और सफ़र के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सैंडविच बना लिए हैं। तो चलिए जल्दी से मैं सैंडविच बना लेती हूँ, और हस्बैंड के लिए भी खाना मुझे बना कर रख कर जाना है। और हम सफ़र में जाएंगे तो तब भी मुझे थोड़ा सा बच्चों के लिए, लड्डू गोपाल के लिए जो भोजन है वो रख के ले जाना है। तो लड्डू गोपाल के लिए मैंने यहाँ पर किशमिश रख ली है एक डब्बे में, और थोड़ा सा जल रख लिया है। तो चलिए लंच भी पैक कर लेते हैं। मैं स्नान करके आ चुकी हूँ, और लड्डू गोपाल के लिए भी मैंने पहले ही आपको बताया था किशमिश रख ली है, और यहाँ पर मैंने कुछ जो बनाया था भोजन वो मैंने पैक करके रख लिया है। और उसके बाद मैं जल्दी से कर देती हूँ किचन की साफ़ सफ़ाई, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ आज अपने गांव, और गांव मेरा कहाँ पर है वो भी आज आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। और चलिए जल्दी से मैं बना लेती हूँ पराठे सफ़र के लिए, और क्योंकि पूड़ियाँ थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा हो जाती हैं तो पूड़ियाँ कम पसंद करते हैं, तो मुझे बनाने हैं यहाँ पर पराठे, और हस्बैंड के लिए भी मैं पराठे ही बना कर रख कर के जाऊँगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लंच बना लिया है और पैक भी कर लिया है। बच्चों को सैंडविच बहुत पसंद है, बच्चों के लिए मैंने सफ़र के लिए सैंडविच रख ली हैं। चलिए लड्डू गोपाल को भी अपनी बास्केट में बिठा लेते हैं। पहले मेरे पास 2 लड्डू गोपाल थे, ये लाला थे, तो उनके लिए ये बास्केट जो थी वो पर्याप्त थी। और अब लड्डू गोपाल जो हैं हमारे पास 3 है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, और उस हिसाब से ये बास्केट मेरे पास छोटी पड़ रही है। मैं लड्डू गोपाल को हर बार लेटा करके ले के जाती हूँ, जिससे वो गिरे ना, बहुत ही आराम से सोते हुए जाते हैं बास्केट में। और मैंने आप लोगों को पहले इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें आपको बताया था, जैसा कि लड्डू गोपाल की पैकिंग में मैंने क्या क्या सामान रखा था। और अब लड्डू गोपाल को मैं यहाँ पर बिठा कर ही लेकर जाऊँगी, क्योंकि बास्केट में ज़्यादा स्पेस नहीं है जो कि मैं लड्डू गोपाल को लिटा कर लेकर के जाऊँ। और लड्डू गोपाल के मंदिर में जो भी मेरा सामान है, जैसे लड्डू गोपाल का बेड है, सोफ़ा है, झूला है, उन सभी को मैं एक चादर से कवर कर दूँगी, क्योंकि मुझे लगभग 2 हफ्ते लग जाएंगे वापस आने में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डस्ट ना हो जाए इन पर, तो इनको सारी चीज़ों को कवर करके जाऊँगी मैं। बाकी का जो मेरा मंदिर है, बाकी सारी देवी देवता हैं वो मंदिर में विराजमान रहेंगे, उनकी पूजा अर्चना होती रहेगी। काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था, आपने एक ही लड्डू गोपाल की पैकिंग की है तो क्या एक ही लड्डू गोपाल आपके साथ जाएंगे? ऐसा नहीं है, मैं तीनों को अपने साथ लेकर के जा रही हूँ, और आप बाकी की सेवा में आगे भी देखेंगे। गाँव जाने के बाद में आपको 3 लाला नज़र आएंगे, और एक और नज़र आएंगे जो कि मेरे गाँव के ही लड्डू गोपाल हैं। तो देखिए मैंने ये चादर ले ली है, बड़ी सी एक चादर है, जिससे जो भी लड्डू गोपाल का सामान होगा मैं इसको इससे ढक दूंगी, जिससे लड्डू गोपाल की जो चीज़ें हैं वो गंदी ना हो, मैं आ करके इसको फिर से गंदी हो या ना हो इनको फिर से क्लीन करूंगी, डस्टिंग करूंगी, और ये चादर हटा करके फिर से लड्डू गोपाल का जो भी रूम है अच्छे से हम डेकोरेट कर देंगे। और अभी फ़िलहाल हमें जाना है, 2 हफ्ते लग जाएंगे लगभग हमें, तो ये चीज़ें गंदी ना हो इसलिए हमने इनको ढक दिया है। और लड्डू गोपाल की पैकिंग हो चुकी है और हमने उनको बास्केट में भी रख लिया है, और बाकी की हमारी भी सारी पैकिंग हो चुकी है। अब हम निकलने वाले हैं, और बाकी का सफ़र में किस तरह से हम लड्डू गोपाल को लेकर जाते हैं वो भी आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करते रहेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी वायर वगैरह हैं लाइटिंग की वो सारी रख ली हैं, एक साइड में रख दी हैं यानी, और लड्डू गोपाल हमारे रेडी हैं जाने के लिए। तो चलिए हम भी रेडी हैं, चलिए चलते हैं, घर को लॉक कर देते हैं। और लड्डू गोपाल बहुत ही खुश हैं हमारे, क्योंकि गांव जा रहे हैं, गांव वाले घर जा रहे हैं, और इनके एक और फ्रेंड इनको मिल जाएंगे साथ में। तो चलिए हम पहुँच गए हैं यहाँ पर बस स्टैंड पर, और बस स्टैंड पर देखिए सुबह मॉर्निंग है और काफ़ी थोड़ा हल्का हल्का ठंडा मौसम है, और बच्चों को मैंने स्वेटर भी पहनाया था। लड्डू गोपाल के लिए मैंने यहाँ पर एक जो छोटा वाला कंबल था वो रख लिया था, अगर सफ़र में ठंडा लगता है तो इनको उड़ा देंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब वापस आऊँगी तो लड्डू गोपाल के लिए दूसरी मुझे बास्केट लेनी है, क्योंकि ये बास्केट जो है लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग हमारे छोटी हो रही है, क्योंकि अब हमारे पास 3 लाला हैं। तो देखिए आपको बास्केट में से दिखा देती हूँ, ये सफ़र में हम बस में बैठ चुके हैं और सफ़र का आनंद लेते हुए लड्डू गोपाल जा रहे हैं अपने घर, अपने दादी के घर। तो देखिए यहाँ पर हम बस में बैठे हुए हैं, वैसे मैं लड्डू गोपाल को लिटा कर लेकर जाती हूँ, और अभी इस बार तो ये बैठ कर ही जाएंगे। नेक्स्ट टाइम इनके लिए व्यवस्था करेंगे, इनके लिए बड़ी बास्केट लाएंगे, जिससे ये आराम दे बास्केट में एकदम से लेट कर सोते हुए एकदम से जाएं।
और हमारे बच्चों ने पकड़ रखे हैं लड्डू गोपाल, क्योंकि छोटे लड्डू गोपाल होते हैं तो उनको हम पकड़ा सकते हैं, बच्चों को भी आसानी से लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने गांव, जो कि हमारे घर का रास्ता है, ये गली है, ये हमारा जो शहर है, हम अलीगढ़ शहर में आए हैं, ये गांव नहीं है। पर जब हम किसी बड़े शहर में और रहते हैं तो उसको जब हम जहाँ हमारा टाउन हाउस होता है तो उसको बोला जाता है कि हम गांव जा रहे हैं। तो देखिए हमारा ये जो रास्ता है बहुत ही अच्छा है, हरियाली भरा, और लड्डू गोपाल भी हमारे साथ हैं, जो कि बेटे ने पकड़ रखे हैं, और लड्डू गोपाल के लिए और बच्चों के लिए साथ में पिचकारी भी हमने ले ली है, क्योंकि होली का फेस्टिवल है तो पिचकारी तो बनती ही है। और दादी के घर हम पहुंच चुके हैं, बस एक दो मिनट में पहुंचने ही वाले हैं। गांव आने के बाद में थोड़ा काम हो जाता है तो मैं वीडियो आपके पास जल्दी से पोस्ट नहीं कर पाई हूं। आ तो मैं कई दिन की गई थी, उसके बाद में एकादशी पड़ गई तो उसके लिए हमें पूजा करने के लिए तैयारी करनी पड़ी। तो देखिए लड्डू गोपाल भी पहुंच गए हैं अपने माँ जी के घर। जो रेड कलर का जो गेट आप देख रहे हैं, ये है हमारा घर। अगर आप लोग हमारे घर का पूरा व्यू देखना चाहते हैं और हाउस टूर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और ये है हमारा घर, जो कि बच्चों की दादी का घर है, और दादी अभी कहीं बाहर गई थी तो अभी आई हैं। तो लड्डू गोपाल और बच्चे फिर मिलेंगे दादी से अपनी से, और बच्चे हमारे पहले ही पैर छू चुके हैं। मैंने फिर से बोला बच्चों को कि दादी के फिर से पैर छुओ। बहुत सारी ऐसी रीति रिवाज होती हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के यहाँ की जाती हैं। और शाम को हमारे यहाँ इस तरह से इसको ये टिकली बोला जाता है, ये आटे से लगाई जाती है, एकादशी को सिंघाड़े के आटे से बनाई जाती है। क्या आप लोगों के यहाँ भी ये इस तरह से बनाई जाती है? एक तरह की ये रस्म होती है, रंगोली टाइप से आटे की बनाई जाती है, और इसका एक ही जो तरीका होता है वो एक ही होता है। आप इस तरह से बनाते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है, मुझे बहुत ही बनाने में इसको आनंद आता है। तो मैं जिस दिन आई थी तो मेरी सास ने बोला मुझे कि तुम बना दो, तो मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करने में, तो मैंने ही बनाई। उसके अगले दिन फिर मैंने यहाँ पर पापड़ बनाए थे, और ये मैंने चावल के पापड़ बनाए थे, इनको यहाँ पर कचरी बोलते हैं, आप जलेबी बोल सकते हो इनको। तो इस तरह से बनाने के बाद में ये काफ़ी सारे हमने बनाए थे, और बहुत अच्छा लगता है ये सारे कार्य करने में, गांव आने में। गांव आने की खुशी और मज़ा तो उसका अलग ही होता है। उसके बाद शिवरात्रि, वो एकादशी थी, तो एकादशी के दिन हम सभी लोग मिल करके पूजा करने के लिए मंदिर पर गए, और मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, बस 5 मिनट का रास्ता है। तो सभी लोग, बच्चे भी साथ में थे, बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग साथ में मंदिर जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो घर के आसपास का जो एरिया है मैं आपको दिखा देती हूँ। और जिस मंदिर को हम पूजा करने के लिए जाते हैं वो काफ़ी एरिए में है, और मंदिर काफ़ी खुला खुला बना हुआ है, सारे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर ही आंवले का वृक्ष है, जो कि पहले हम आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगे और उसके बाद में हम मंदिर में अंदर शिवलिंग की पूजा करने जाएंगे, और माता जो पथवारी होती हैं, पथवारी माता वो अलग हैं, उनकी पूजा करेंगे। तो मैं यहाँ पर आंवले के वृक्ष की पहले पूजा कर रही हूँ, उसके बाद में हम अंदर शिवलिंग की पूजा करने के लिए एक बट का पेड़ होता है, जो बट सावित्री पर पूजा की जाती है, उसकी हमने पूजा की, और परिक्रमा लगाकर उसके बाद में भगवान को प्रणाम कर हम घर आ गए। और ये हमारा आज का ब्लॉग था, जो कि मैंने लड्डू गोपाल को साथ में सफ़र में कैसे लेकर के आए। और अगर गांव वाले घर का पूरा फुल टूर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम अपने गांव पहुंच चुके हैं, जो कि होली का सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लड्डू गोपाल की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया है, लड्डू गोपाल की वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे एंड हैप्पी होली। होली पर आप सभी लोग सुरक्षित रहें, बहुत सावधानी के साथ होली खेलिएगा। तो फिर मिलते हैं, राधे राधे।